नमस्कार, बहुत स्वागत। और सुर्खियों के बाद बड़े अपडेट के साथ आपको बता दें, महादेव ऐप केस से जुड़ी बड़ी खबर। अभिनेता साहिल खान को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। साहिल खान 1 मई तक पुलिस हिरासत में रहेगा। मुंबई में कोर्ट में पेशी हुई है साहिल खान की पेशी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई, इसके बाद मुंबई हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई और अब पुलिस कस्टडी 4 दिन। देश के कानून पे और मुंबई पुलिस पे मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं इलाज करता हूँ इंडिया के देश के कानून पे और मुंबई पुलिस पे मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। पूरा कॉपरेट किया है, पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है, उसके बाद भी अगर इन्वेस्टिगेशन ये बोल रही है तो वो रिकॉर्ड पे ऑलरेडी कोर्ट के सामने है। कोर्ट के सामने 2000 सिम कार्ड और 1700 बैंक अकाउंट का जिक्र किया, वो क्या सिम कार्ड की बात? एक भी सिम कार्ड नाम पर नहीं है और कोई भी अकाउंट हमारे उसमें नहीं है, जो कि हमने इन्वेस्टिगेशन में भी डिस्क्लोज कर दिया। क्या रोल बताया गया? रोल क्या बताया गया? कुछ भी रोल नहीं बताया गया। नॉट अ सिंगल लाइन एलिगेशन इज देयर इन द एफआईआर और वी हैव ऑलरेडी सरेंडर द पासपोर्ट। इन्फ्लुएंसर की आपने बात कही थी, इन्फ्लुएंसर अभी बीइंग अ इन्फ्लुएंसर एंड बीइंग अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी वो इंडोर्स करते हैं, वही उन्होंने इंडोर्स किया है, उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं किया है और वो एग्रीमेंट भी हम लोगों ने कोर्ट को दे दिया है। तो 4 दिन के रिमांड पर साहिल के वकील ने कहा है कि साहिल सेलिब्रिटी है, उनका रोल लिमिटेड होता है, वही बात वो अभी भी कर रहे थे। और प्रशांत हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट महादेव मामले में? साहिल के वकील को भी हम अभी सुन रहे थे, उन्होंने साफ किया है कि सेलिब्रिटी हैं, इंडोर्समेंट और इन्फ्लुएंस इस तरह से वो करते रहते हैं। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए इसी तरह से अदालत में भी जब साहिल खान को पेश किया गया तो उनके वकील ने वही पक्ष रखा, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच का दावा था कि 2000 से ज़्यादा जो सिम है उसका इस्तेमाल जो है इस बेटिंग ऐप में इस्तेमाल किया गया है, साथ ही 1700 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट हैं जहां से पैसे निवेश किए गए हैं। लेकिन साहिल खान के वकील का साफ तौर पर कहना था कि इसमें कोई भी ऐसा सिम कार्ड, सिंगल सिम कार्ड भी नहीं है कि जो साहिल खान के नाम पर रजिस्टर्ड हो या उनके नाम पर इशू कराया गया हो, साथ ही ऐसा कोई अकाउंट नंबर भी वो दावा कर रहे नहीं हैं कि जिसमें लेनदेन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया हो साहिल खान के नाम से। बहरहाल यह जांच का विषय है, कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी और कोर्ट ने 1 तारीख तक साहिल खान को क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की कस्टडी में सौंप दिया है। लेकिन देखिए इसका लिंक जो है वो मुंबई के माटुंगा पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ है। मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ महीने पहले एक सोशल एक्टिविस्ट है जिन्होंने मुंबई पुलिस के पास जाकर शिकायत की थी कि महादेव ऐप के जरिए ही कुछ ऐसे बेटिंग ऐप है जहां से पैसे निवेश कराए जा रहे हैं, बेटिंग लगाई जा रही है इन लीगल तरीके से, और आंकड़ा जो है वो दावा किया गया था कि 15,000 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला है जिसका कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरा गया है, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं भरा जा रहा है और करोड़ों रुपए जो है जुए के तौर पर, वेटिंग के तौर पर लगाए जा रहे हैं और इन पैसों को हवाला के जरिए भेजा जा रहा है। लेकिन शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में कोई भी केस नहीं लिया था। अदालत के कहने पे बाद केस दर्ज किया गया, 32 लोगों का नाम दर्ज किया गया जिसमें साहिल खान का नाम आया, जिसके बाद साहिल खान को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बुलाया। साहिल खान से पिछले दिनों कई घंटों तक पूछताछ भी हुई है। अदालत से एबीए यानी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होने के बाद 40 घंटे तक साहिल खान नॉट रीचेबल थे और यही वजह है कि क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और उन्हें छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार करके अब मुंबई लाए हैं और कोर्ट में पेश किया गया जहां 1 तारीख तक उनकी कस्टडी मिल चुकी है। जी, अब ऐसे में आगे की जांच पुलिस करेगी, अगली कस्टडी जब ये बात आपकी सही है, क्या कुछ सबूत पाए गए हैं वो अदालत में पेश किया जाएगा। ये बात सही है कि अगर अदालत ने कस्टडी दी है तो जाहिर तौर पर उसमें तथ्य जरूर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रशांत विस्तार से जानकारी दे रहे थे और जो भी अपडेट इस मामले में होगा वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर जबलपुर की बात करेंगे, कबाड़ खाने पर जेसीबी चली है, कबाड़ खाना ब्लास्ट का ये पूरा मामला है और अब सुरक्षा के लिहाज से बिल्डिंग गिराई जा रही है। बिल्डिंग ऑफिस और बिल्डिंग को जेसीबी के जरिए तोड़ा जा रहा है। विस्फोट के बाद बिल्डिंग में दरार आ गई थी। गुरुवार दोपहर को कबाड़ खाने में धमाका हुआ था। खास बात ये, इस पूरे प्रकरण पर एनआईए और एनएसजी दोनों की नजर बनी हुई है।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जबलपुर में कवाड़ खाना ब्लास्ट मामले में अपडेट, एहतियातन इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा पवन के पास आपको लिए चलेंगे। पवन, क्या कुछ अपडेट इस मामले में, और अब तो एनआईए एनएसजी दोनों की भी नजर है। जी जी बिल्कुल ललित, इसमें जिस तरह से एनआईए और एनएसजी की एंट्री हुई थी और उसके बाद आज जब कबाड़खाना तोड़ने के लिए जेसीबी लेकर प्रशासन की टीम वहां पहुंची है तो उसको ऑफिस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि ऑफिस से, क्योंकि दरारें आ गई थी 26 तारीख को जब ये ब्लास्ट हुआ था तो तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लोगों के घरों में खिड़की और कांच भी टूट गए थे और ऑफिस में भी ये जो रजा मेटल इंडस्ट्रीज का कार्यालय है जहां पर गोदाम था इसमें भी दरार आ गई थी, जिसके बाद प्रशासन सोमवार को कार्रवाई करने के लिए तैयारी थी लेकिन आज ही शायद किसी आवश्यक कार्य के कारण आज ही यह कार्रवाई शुरू कर दी गई है और ऑफिस को गिराया जा रहा है, वहां का सामान निकलवाया गया है। इसमें एनएसजी और एनआईए ने जो जांच की है उसमें सूत्रों के हवाले से अभी तक यह जानकारी आई है कि 4 फुट चौड़ा 4 फुट गहरा वहां पर गड्ढा हो गया था लेकिन कहीं भी बिल्कुल जो है बारूद के ट्रेसेस नहीं मिले थे। तो अभी भी जो है इस मामले में जांच जारी है, जल्द ही इस मामले में कुछ नया अपडेट आएगा, कुछ नया खुलासा हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पवन विस्तार से जानकारी दे रहे थे, आगे भी उनके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर प्रियंका गांधी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा हमला बोला, उन्होंने कहा कि प्रियंका मंगलसूत्र नहीं पहनती, शादी के बाद भी मंगलसूत्र नहीं पहनती, शादी के बाद उन्होंने सरनेम भी नहीं बदला है, ये कहना है डॉक्टर मोहन यादव। शादी के बाद भी मंगलसूत्र नहीं पहनती, ये बड़े हमले के तौर पर इसे देखा जा रहा है। प्रियंका गांधी, उन्होंने सरनेम भी नहीं बदला है, ये सब बातें डॉक्टर मोहन यादव ने कही हैं। दरअसल वार पलटवार के सिलसिले चल रहे हैं, 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, पूरे देश में भी हो चुका है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हो चुका है, कैंपेनिंग का दौर चल रहा है और इन सब के बीच ये बयानों के सिलसिले। और प्रियंका गांधी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर सियासत गर्माई है, कांग्रेस ने पलटवार किया है। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी का बयान है कि बीजेपी के लोग मूल मुद्दों से भटकाने की राजनीति करते हैं, कोरोना काल में जिन महिलाओं के मंगलसूत्र चले गए उनके लिए क्या किया ये बताएं, जिन परिवारों के बेटों की हालत खराब है उनके लिए क्या किया ये बताएं, धान गेहूँ खरीदी के जो वादे किए गए थे, बातें की गई थी, उसका क्या हुआ ये बताएं। भाग्य इस देश का कि मुख्यमंत्री महिलाओं को झांकने में लगा हुआ, जिसका काम है कि जो मोदी जी 2023 में गारंटी देके गए थे कि 2700 रुपए क्विंटल गेहूं का देने का, तो वो तो दे नहीं रहे, 3000 रुपए महिलाओं से शुरू करके 10000 तक देने का वो तो दे नहीं रहा, महंगाई कम करने का वो तो कर नहीं रहा, 450 में गैस की टंकी दे नहीं रहा। इस तरीके के बयान देख के मुख्यमंत्री जी सिर्फ महिलाओं के उसमें झांकने की कोशिश कर रहे हैं, ये ध्यान रखें देश के अंदर हालात खराब है, मूल मुद्दों पर ध्यान दें और जिस मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं वो जाके इन मुद्दों को छोड़ के उन मंगलसूत्र जिनके बिके उस कोरोना काल में उनको दिलवाने के लिए क्या कर रहे हैं, जिनके बेटों की हालत खराब है उनके लिए क्या कर रहे हैं, जो शहीद हुए उनके लिए क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करें और ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ रोज की बातें, मूल मुद्दों पे बीजेपी बात। भोपाल में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर सियासी हमला बोलते हुए बहुसंख्यकों के प्रति कांग्रेस की मंशा अब लोगों के सामने आई है, ये कहा है कांग्रेस ने एससी एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डाला है, अब बहुसंख्यक समाज को जागना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जीत के लालच में देश के संविधान को दरकिनार कर रही है। संख्यकों के खिलाफ कांग्रेस की जो मंशा है वो पहली बार आज बहस का मुद्दा बनी है और देश के सामने वो बातें आई हैं। कहीं ना कहीं सिर्फ पिछड़ों के आरक्षण पर डाका नहीं डाला कांग्रेस ने, बल्कि एससी एसटी और पिछड़े सभी आरक्षणों पर डकैती की है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। व्यक्तियों का तो ठीक है, यहाँ तो पूरी पार्टी लगातार इस गलतियों को दोहराने का अपराध कर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि देश को ताकत के साथ खड़ा होना होगा, खास करके वो बहुसंख्यक समाज
एससी एसटी और ओबीसी, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा उसे इस कांग्रेस की मंशा को ध्वस्त करने के लिए ताकत के साथ इस यज्ञ में अपनी आहुति डालनी चाहिए। खबर इंदौर से, नगर निगम फर्जी बिल घोटाले में छापे की कार्रवाई की गई है। ग्रीन नीव किंग कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार पर शिकंजा कसा गया है। जानवी कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार राहुल वढेरा पर शिकंजा कसा है। 5 फर्म के ठेकेदारों के ऑफिस पर, घर पर, उनसे जुड़े प्रतिष्ठानों पर। और इस वक्त डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। जिले का एक अलग प्रकार का लगाव और यह हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। इस पूरे मालवा के अंदर हमारी विचारधारा को बढ़ाने के लिए किसी जिले का योगदान है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान हमारे शाजापुर जिले का है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। इस शाजापुर जिले से लगातार हमारी राष्ट्रवादी विचार की किरणें लगातार प्रस्फुटित होती है, चारों तरफ आभा फैलाती और बिल्कुल निर्लिप्त भाव से, कोई मन में भाव नहीं, लगातार अहर्निश चलते चलते। और आज जब मैं यहाँ लोकसभा की बात कर रहा हूँ तो देवास शाजापुर लोकसभा, इस लोकसभा में 2 माताओं का वास देवास और ये शाजापुर माता रानी की धरती। कौन कौन सी माता रानी है हमारे लिए, वो ऊपर पहाड़ी वाली कौन सी माता जी है, चामुंडा माता जी है और तुलजा बहानी, और लगातार कई कई कारणों से, लेकिन महत्व की बात यह है कि सरकार के माध्यम से जब से सरकार बनी एक के बाद एक, राज्य सरकार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के समय से और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय से कोई विकास के काम वाले काम हुए हैं। उज्जैन झालावाड़ चौड़ीकरण का मार्ग 450 करोड़ की लागत से जोरदार ताली बजा, 450 देवास के अंदर, देवास मतलब लोकसभा पूरी आ गई, 500 सड़कें 68,614 करोड़ की लागत से बता, 5 जोरदार तालियां बजा, ताली कम बज रही, पैसा दिल खोल के दिया है, 2 कम 70,000 करोड़, पूरी रेल भरा जाए पैसे भर के देखोगे, इतने सारे पैसे से सड़क बना रहे। आपके यहाँ पे 24 पुल बने हैं, 24 पुलों में 5,353 करोड़ की लागत है, जोरदार अभिनंदन करें सरकार के माननीय मोदी जी के लिए। उज्जैन देवास भोपाल इंदौर मार्ग पर 164 करोड़ की लागत, फिर बाईपास बनाया गया जोरदार तालियों से ताकि ट्रैफिक जाम नहीं हो, 5,000 करोड़ से दोबारा नए प्रस्ताव भी लिए, जब 5,000 करोड़ के नए निर्माण के प्रस्ताव आपके फिर आ गए लोकसभा के माध्यम से। इसी पोलाई कला पीपल रावा सुनेरा खोरिया भरोदिया मार्ग, शाजापुर बेरछा मार्ग, लाहौरी देवला बिहार बोलाई अकोदिया मार्ग, लगभग 250 करोड़ की लागत, क्या 250 करोड़ किसको कहते, जोरदार ताली बजाओ, 2,500 लाख का काम है, 250 करोड़ बोले तो 2,500 लाख के काम। और आज इस मौके पे ये भी बोलना चाहूंगा कि अपने यहाँ पर पानी के लिए भी और बिजली के लिए, बिजली के लिए 365 पवन चक्कियां, ये चक्के घूम रहा है आपके चारों तरफ से, 496 मेगावाट की बिजली उत्पन्न हो रही, हवा भगवान चला रहा है, पवन पुत्र हनुमान की, लेकिन हवा का काम हवा करे और आपकी पहाड़ियां अपना काम करे। ये हमारी सोलर एनर्जी जिसका अपने बिजली के माध्यम से एक अलग प्रकार का लाभ मिल रहा है, देवास में 6,300 करोड़ की लागत से सिंचाई परियोजना जिनमें 1,00,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन का सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, और कुंडालिया परियोजना से खरगोन में खुदाई के दौरान मिली मूर्तियां भगवान विष्णु की हैं, 9 प्रतिमाएं मिली हैं और ये 11वीं शताब्दी की बताई जा रही हैं। सरपंच ने प्रशासन और पुरातत्व विभाग को इसकी इत्तला दे दी है। आसपास भगवान विष्णु के मंदिर के अवशेष भी मिल सकते हैं, इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। सनावद थाना इलाके के कानापुर में खुदाई के दौरान ये प्रतिमाएं मिली हैं।
और दीपक जोशी का बड़ा बयान सामने आया है कमीशन खोरी को लेकर। पूर्व मंत्री रहे दीपक जोशी और फिर वो कांग्रेस में आ गए, अभी ये तय नहीं है कि वो कांग्रेस में पूरे हैं या अधूरे हैं। तो दीपक जोशी ने दावा किया है कि बस स्टॉप बनाने पर सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है, सांसद विधायक को कमीशन मिलता है, एक बस स्टॉप पर लाख लाख का कमीशन मिल जाता है। वो ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत कमीशन उन्होंने भी लिया है। राजगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बयान दिया, दिग्विजय सिंह के लिए वो प्रचार करने गए थे पूर्व मंत्री दीपक जोशी, मतलब अभी वो कांग्रेस में हैं। तो राजगढ़ में उन्होंने तमाम बातें कही। एक बस स्टॉप पे 1,00,000 रुपए मिलता है, पता नहीं सबसे ज्यादा कमीशन अगर किसी सांसद विधायक को मिलता तो बस स्टॉप में मिलता है, साफ बता। मैं भी नहीं भी लिया थोड़ा बहुत, मैं झूठी बोलता हूँ। सबसे ज्यादा पैसा मिलता है तो इसमें मिलता है। विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय का एक बयान वायरल हो रहा है। इसमें वे भाजपा कार्यकर्ताओं को ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि वो कोई गफलत में ना रहें, सभी को जुटे रहने की जरूरत है, तन मन से जुटे रहने की जरूरत है, मन में ये बात ना आने दें कि चुनाव एक तरफा है, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी भी अहम वोट बैंक है। सुस्त होकर बैठने से काम नहीं चलेगा, मैदान में बराबर काम करना होगा। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है। आज भी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कायम है, उसका एक वोट बैंक है, उनके वोट है तो कहीं नहीं जा रहे। और दूसरा, अति आपको आत्मविश्वास का वातावरण आपके लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। हमने देखा अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, मैंने न्यूज के माध्यम से देखा 63% एवरेज वोटिंग हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सारी सीटों पर। अगर आप बिहार और महाराष्ट्र से राज्यों की बात कर लें तो वहां पर तो और कम वोटिंग हुई। जब आदरणीय स्वर्गीय सुषमा गोयल जी से चुनाव लड़ी थी तब ऐसा ही माहौल था, अति आत्मविश्वास था क्योंकि सामने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया और तब वोटिंग कितनी हुई थी, केवल 45%। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपन सब इसी चक्करों में पड़े रहे कि भैया साहब तो जीत ही रहे हैं, अपन को क्या करना, अपन अगर घर बैठ भी जाए तब भी साहब लाखों से जीतेंगे और पता चला अपने आप पर भी 60% की वोटिंग। निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को सबसे कीमती कोई चीज दे सकता है तो वो कोई धन दौलत संपत्ति जमीन जायदाद पैसा नहीं हो सकती। सबसे कीमती चीज अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है तो वो उसका समय देता है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।